अब देखना, अब इस रावण के अंदर फिर आग लगी जा रही है। पटाखे बहुत पुराने हैं। अरे ये सही बात तो ये, पटाखे बहुत पुराने हैं, कोरोना की वजह से निकल नहीं रहते। कोरोना की वजह से पटाखे पुराने हो गए। कोरोना की मेहरबानी से ये पटाखे पुराने हो गए। कोई आवाज नहीं है। हमारे कला जी का कहना इनकी कोई आवाज ही नहीं है। ये देखो, ये सूर्य मुखी हो रहा है, फूस फूस। हाँ ये हो। अरे प्रकाश दादो। हाँ देखो दीदी, अरे रावण के पास जाओ। दीदी चंद्रमुखी फट गए। हाँ देखो अब क्या होता था क्या। अरे इसमें आग लग रही है, देखो शानदार। देखो बड़े बड़े रावण तो कहीं देखने को मिले हैं। आज छोटे बच्चे का रावण का देखो, छोटे छोटे इन बच्चों ने सबने रावण बनाया। वो देखा, एक से एक बढ़िया शानदार टीम है ये, बच्चों की टीम इतनी बढ़िया टीम है। तुम रावण देखते हो ना। हाँ चलो उधर आ जाओ। है नी, हाँ जाओ रावण के सामने आ जाओ। हाँ रावण के सामने आ जाओ सब। अरे ये हाँ हाँ, अब फूटेगा। ये रावण फूटेगा। ये रावण भी तो इतना शानदार बना है इन बच्चों ने, तीन रावण बनाए एक साथ, राव कॉलोनी शामगढ़ में 2020 में कला जी के घर के पास में एक साथ तीन रावण का आयोजन। क्योंकि यहाँ पे ना अन्नपूर्णा माता जी के घर पे बहुत शानदार होते हैं, नौमी के दिन खत्म और दशहरे के दिन माँ उसका पूजा पाठ हो जाता। आज पहली बार इन्होंने बहुत शानदार छोटे छोटे रावण बनाए। क्या बात है कि पटाखे फूस फूस हो रहे, निकल ही नहीं रहे। ये बहुत पुराने पटाखे हो गए, क्या बात है। कहीं कोरोना में से ठंडा तो नहीं पड़ गया ये। अरे निकलो बाहर, अभी तो कोरोना गया, अभी तो आ जाओ। ये प्रकाश दादा इसकी उंगली करेंगे अब। क्या मालूम क्या करेंगे। जाओ उधर, ये देखो। हाँ अब उठेगा। अरे हाँ देखो ये बच्चे को देखो आप, है शानदार ये। अरे लगा। ये रावण मजबूत है, ये पोल का जोड़ है, लगा हुआ। और चिपका दिया पटाखे, बेचारे रास्ता ही नहीं मिला। अरे ये कहना भी हमारे बड़ी बहन का है, कला जी जी का, तो इनको पटाखे निकलने की जगह नहीं मिल रही है। देखो अब है ना, ये प्रयास किया जा रहा। ये देखो हमारे पप्पू भाई को देखो, ये अब कुछ ना कुछ डंडा लगाएंगे। ये डंडा घुसेड़ा अब फूटेगा। ए शाबाश, पप्पू भाई ने हिम्मत करी है। हाँ शानदार। हाँ फूटा। अरे पप्पू भाई अब फायदा हो। पप्पू भाई का डंडे का असर है। अरे पप्पू भाई तो ऐसे भी डंडा करते थे। क्या इस मोहल्ले में छोटा पार्षद है हमारे मोहल्ले में, ये देखना। विक्रम लाइट यहाँ गई, लाइट यहाँ गए लाइट कर जाए। रावण क्या बोल रहा। रावण बैठा हुआ था। अरे ये ना रावण सही नहीं चला, सजा के लोग बहुत पीछे पड़े हुए। अब तो मेरे को नीचे गिरने दो, मारो। अच्छा ये एक रावण हो रहा भाई, क्या भाई बच्चा, ये एक रावण और भी है। हाँ शाह लाओ, उठा के लाओ। हाँ लिया लिया लिया, ये एक और, तीन रावण चल रहे हैं। ये देखो ये कर, ये समझ में नहीं आ रही ये कर क्या रहे। ये इतने कितने रावण बना दिए इन्होंने। मारक, ये पप्पू भाई कह रहे हैं। हाँ ये लगाओ। हाँ
हाँ लगा 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 इसके अंदर। अरे घर घर रावण है, अरे घर घर रावण है ये। चलो रावण देवता आ जाए ना, ये रावण देवता की रावण ये असली रावण तो ये देखो, छोटे छोटे बच्चों ने रावण बनाया है, इसको कहते हैं। अरे तू तू इतना क्या आग लगा रहा रे, हाँ इससे पास नहीं जाना कभी भी। अरे जलेगा जलेगा जलेगा, अरे अरे इसमें भी भाई, अरे हाँ ये अरे हाँ अरे देखो हाँ देखो बच्चे का मनोबल देखो, ओए शाबाश वेरी गुड वेरी गुड, शानदार शानदार। अब इस बालक ने लगाया तो इस पे लिखना चाहिए निकुंज, ये निकुंज है, ये कलाजी जी का पोता श्यामगढ़ में, कलावती चौहान श्यामगढ़ मेरी बड़ी बहन का पोते ने एक दशहरा पर रावण बनाया। बच्चों का कितना प्यार और प्रेम है, देखो यार दोस्तों जिंदगी में आनंद लेना है तो कुछ रावण भी बनाओ, अपने अपने मोहल्ले में कुछ आनंद लो जीवन का। 2020 के अंदर दशहरे का आनंद देखो, इन बच्चे का आनंद और प्यार देखो, इतना शानदार मेहनत कर रहे हैं, एक साथ तीन रावण जल गए एक साथ तीन। देखो अब ये ना ये सब्जी वाले का लड़का देखो ये कहना क्या कर रहा है, अरे तुम थोड़ा दूर दूर रह कर यार, थोड़ा दूर दूर रहो, थोड़ा दूर फिर भाग ना भैया भैया, हाँ हाँ अरे हाँ जलेगा फूटेगा फूटेगा। रावण जिद्दी है, अरे ये बात है कि ये रावण जिद्दी है, मरे ही को ना फटे डीट रावण है कि पूरा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भले ही पटाखे रखो न कहीं से भी आग लगाओ। हाँ ये बात सही की आपने, ये देखो देखो ये देखो, हाँ ये कोरोना पॉजिटिव है, हाँ इसको मंसो ले जाए जा, हाँ टीम को बुलाया जाए, इसको मंसो ले जाए जा, कई बात छोड़ता जा रही। अरे देखो अब ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, हाँ जला 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 जला, हाँ पॉजिटिव है, हाँ ये दुखी कर रहा, जला अब जलेगा जलेगा जलेगा। देखो इसके अंदर एक नया चमत्कार बनाया इन्होंने, बच्चे कहते हैं कि इसमें एक नया चमत्कार है, अब ये चमत्कार क्या फूटने के बाद मालूम पड़ेगा, अब ये क्या चमत्कार पता नहीं चल रहा इसके अंदर। अब ये पप्पू भैया आया 3 फीट की लकड़ी लेके, ये देखो ये देखो, ये देखो भैया पीछे हट जाना, कभी मेरे ऊपर आ गया तो मैं क्या करूँ, अरे बड़ा हटो 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 भैया,
अरे फूटेगा 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 भी नहीं। अब दर्शक लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि दशहरे का आनंद आएगा। अब देखो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, अभी से रावण बनाने का काम चालू कर दिया, बाद में ना जाने क्या करेंगे। देखो बहुत आविष्कार कर रहे हैं अभी ये रावण, क्या बात है समझ में नहीं आ रही है क्यों भाई साहब, ये फूट नहीं रहा। चाइना वाले चाइना के, चाइना का क्या जरूरत है यहाँ पे, ये मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, ये रावण चाइना का है। अरे ऐसे ऐसे क्यों रावण चाइना का रावण है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये अपने को रावण से दूर रखो ना, बोलिए चाइना का रावण, ये फूट ही नहीं रहा। देखो कितनी मेहनत कर रहे थे यहाँ। अरे यार इसको जलाने के लिए घासलेट चाहिएगा। अरे हाँ घासलेट घासलेट कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो अब जोश आया, अब ये मां साहब, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो साहब। अब तीन ही रावण बचे और कुछ बचे? ओ जीजे और रावण को एक मिनट बोलना में काले काले। दोस्तों अब हम आपको है ना अगला प्रोग्राम कल दिखाएंगे।